हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में मैंने जैसे बोला था कि अगर टेंस समझना और टेंस के साथ इंग्लिश बोलना दोनों अलग अलग बातें होती है, लेकिन हम टेंस के साथ में अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहें तो बहुत ईजी रहता है। जैसे कि आपने देखा, हमने क्वेश्चन करना सीख लिया, हमने आंसर देना सीख लिया, हमने मना करना भी सीख लिया। आओ देखते हैं अब कि हमने जो प्रेजेंट टेंस सीखा उससे हम कितने परसेंट इंग्लिश बोलना सीखते हैं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि 30 अगर आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से सारे सेट आपके माइंड में अगर सेट अगर हो जाते हैं, आप उसका यूटिलाइज भी करते हैं, तो इस माइग्रेंट की 30% इंग्लिश आप बोलना जानते होंगे। यानी कि 30% इंग्लिश आप बिना रुके आसानी से बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं आपको, और प्रूफ करके भी दिखाता हूँ कि हाउ इज पॉसिबल दैट कि इफ यू कंप्लीट द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तो कैन यू स्पीक 30% इंग्लिश और नॉट। एग्जांपल, यहाँ देखिए, एक माँ अपने बेटे से कन्वर्सेशन कर रही है। इट मींस कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड सन। अब माँ और बेटे में कन्वर्सेशन कैसा होता है देखिए। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? हमारा यहाँ पे क्वेश्चन किससे रेज हो रहा है? क्या से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था दो टाइप्स हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जब हमारा क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, तो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, फॉर्मूला रहता है डू डज में से एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड करते हैं कि डू कहाँ आएगा, डज कहाँ पे आएगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया नहीं था आपको, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस जगह पे हम डज का यूज करते हैं, और जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है उस जगह पे हम डू का यूज करते हैं। तो तुम क्या है? हमारा सब्जेक्ट ये है हमारा प्लूरल, तो इस जगह पे हम डू का यूज करेंगे। डू यू, क्या तुम, डू यू वर्ब क्या है आपकी? जानना। जानने को इंग्लिश में बोलते हैं नो, KNOW, नो। क्या क्या तुम उसके बारे में जानते हो? डू यू नो। उसके बारे में ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो बारे में, अबाउट टू, अगर किसी की हम बात करते हैं बारे में की जो स्पेलिंग होती है वो होती है अबाउट टू। अब उसके बारे में हम बात करें लड़की की, तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो हिम हिज लगाते हैं, और मेल की और फीमेल की अगर बात करते हैं तो हम हर का यूज करते हैं। यहाँ पे बात करें लड़की की, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? हमारा सेंटेंस होता है डू यू, डू यू नो अबाउट हर, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? फिर देखिए बेटा क्या कहता है, बेटा कहता है यानी कि सन सेज, नहीं तो ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, नहीं तो मां मैं उसके बारे में नहीं जानता, नहीं तो या तो लगाओ नॉट या बोलो मैं नहीं जानता। अगर आपका इंग्लिश में हाथ लग गया तो नॉट से काम चल जाएगा आपका, या सीधे बोलो नो, या अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना है तो आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो आई डू नॉट नो, मैं उसके बारे में नहीं जानता, या नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता। या तो नो या नॉट एट ऑल या नो मदर मैं उसके बारे में नहीं जानता। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट डू या डज में से एक प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं, आई सब्जेक्ट है, आई क्या है आपका सिंगुलर की प्लूरल, आई है आपका प्लूरल, इसलिए आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो अबाउट हर, मैं उसके बारे में नहीं जानता। अब आ जाती है हाँ, उसके बड़ी बहन के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, हाँ यस या यस या बट, लेकिन उसकी बड़ी बहन के बारे में जरूर जानता हूं, बट आई नो अबाउट हर, बड़ी बहन होती है एल्डर सिस्टर, बट आई नो अबाउट हर एल्डर सिस्टर, ठीक है। अच्छा कैसे, अच्छा कैसे, ओके हाउ, कैसे हाउ, या तो नॉर्मल शॉर्ट में बोल सकते हो हाउ कैसे, या नॉर्मल आप ऐसे बोल सकते हो अच्छा बताओ आप उसके बारे में कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो अबाउट हर, हाउ डू यू नो अबाउट हर, या ओके हाउ, तुम लड़के भी, तो माँ क्या कहती है, मदर सेज तुम लड़के भी किसी के बारे में कुछ पता हो या ना हो, पर हाँ एक खासियत जरूर होती है। माँ कहती है मदर सेज तुम लड़के भी किसी के बारे में कुछ पता हो या ना। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं,
यू ऑल द बॉयज डोंट हैव, अगर कोई चीज आपके पास है तो उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं. हैव, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार. मेरे पास गाड़ी है, आई हैव ए बाइक. मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल. और मेरे पास अगर कोई चीज नहीं है तो सीधे बोलो आई डोंट हैव. आई डोंट हैव, आई डोंट हैव बाइसाइकिल, आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट टू से, जो भी आपको बोलना है. तो तुम लड़के भी ना, किसी के बारे में कुछ पता हो या ना, यू ऑल द बॉयज डोंट हैव नॉलेज अबाउट एनीथिंग और हैव नॉलेज अबाउट. पर हां, एक खासियत जरूर होती है, बट यू हैव ए स्पेशल क्वालिटी, यू हैव ए खासियत. तुम्हारे पास एक खासियत होती है, यू हैव ए खासियत है ना, क्वालिटी है ना, हैव का यूज करेंगे ना. यू हैव ए स्पेशल क्वालिटी, क्वालिटी सब लड़कों की, मोहल्ले की सब लड़कियों के बारे में, सब लड़कों को मोहल्ले की सब लड़कियों के बारे में जानकारी जरूर रखते हो. यानी कि ऑल द बॉयज हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी गर्ल्स हु लिव्स इन लोकलिटी. मैंने यहां पर बोला हु लिव्स इन लोकलिटी, यानी कि हर लड़के के पास मोहल्ले में रहने वाली सभी लड़कियों की जानकारी जरूर होती है. ऑल द बॉयज हैव ए करेक्ट इंफॉर्मेशन दोज गर्ल्स, उन लड़कियों की, दोज गर्ल्स हु लिव्स, जो रहती हैं, हु लिव्स इन लोकलिटी. अरे मां, ओह मदर, आप भी कहां की बात कहां ले आती हैं. यू ओ मदर, आप बिना मम्मी, आप बिना ओ मदर, यू आर, कहां की बात कहां ले आती हैं. दो चीज होती है, एक लीड एक मिसलीड. आपने देखा होगा लीडर होते हैं, लीडर का मतलब होता है लीड करना, लोगों को आगे बढ़ाना, ठीक है, बाकी जनता उनके पीछे होती है, लीड, ठीक है. तो लीड मींस होता है आगे बढ़ाना, और मिसलीड होता है मिसगाइड करना, यानी कि भ्रमित कर देना. आप भी मां कहां की बात कहां ले आती हो. मदर यू मिसलीड द टॉपिक, क्योंकि हिंदी क्या होती है, हिंदी चलती है फीलिंग पे, सेंस के ऊपर, और इंग्लिश सिर्फ, हिंदी चलती है फीलिंगों से, सेंस के ऊपर, और इंग्लिश जो चलती है, इंग्लिश में कोई फीलिंग नहीं होती, वहां पे तो सीधे सेंटेंस बनाने होते हैं. तो यहां पे आप, अरे मां आप भी कहां की बात कहां ले आती है. ओ मदर यू मिसलीड द टॉपिक, यू मिसलीड द टॉपिक. हां बेटा, मां हूं मैं तेरी. हां बेटा, ओ डियर, ओ डियर, आई एम योर मदर, आई एम योर मदर. जाहिर सी बात है, तेरी नस नस से वाकिफ हूं. नस नस से वाकिफ होना, कभी भी अगर आपको ये सेंटेंस बोलना पड़े कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं, तो सीधे बोलो आई नो हिम. अगर लड़के की बात कर लो कि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं, तो आई नो हिम अबाउट हिम, आई नो हिम इनसाइड आउट. आई नो, नो माना जानना, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं. आई नो हिम इनसाइड आउट. कोई लड़की है, लड़की के लिए अगर आप बोल रहे हो कि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूं, तो सीधे बोलो आई नो हर इनसाइड आउट. इनसाइड आउट मीन्स होता है नस नस से वाकिफ होना. आई एन एस आई जी एस टी इनसाइड, ओ यू टी आउट, इनसाइड आउट, नस नस से वाकिफ होना. और अगर आपको बोलना है कि मैं तेरी मम्मी की नस नस से वाकिफ हूं, आई नो योर मदर इनसाइड आउट. मैं तेरे बड़े भाई से की नस नस से वाकिफ हूं, आई नो योर एल्डर ब्रदर इनसाइड आउट. तो आपको जैसे भी सेंस में इसको यूज करना हो, सीधे बोलिए आई नो, और जिसके बारे में बोलना है वो नाम सीधे लगाओ, इनसाइड आउट कर दो. तो यहां पे देखिए मां क्या कहती है, मां मां हूं मैं तेरी, ओ बेटा, ओ सन, ओ लियर, आई एम योर मदर, और जाहिर सी बात है तेरी नस नस से बाकी भी हूं, आई नो यू इनसाइड आउट. अरे मां, ओ मदर, वो तो मैं उसके बारे में इसलिए जानता हूं, सिंपल सेंटेंस है, वो तो मैं उसके बारे में इसलिए जानता हूं, आई नो हर, आई नो अबाउट हर, बिकॉज, क्योंकि वो मेरी क्लास में पढ़ती है, बिकॉज शी स्टडी, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शी स्टडीज, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या होता है, वर्ब में एस ई एस लगाती है, शी स्टडीज इन माई क्लास. अच्छा, तो ये बात है, ओ दैट इज अ मैटर, ये बात कभी भी अगर आपको ये बोलना पड़े, अच्छा ये बात है, दैट इज अ मैटर, ये बात है, ओ दैट इज अ मैटर, और बता दे, एंड नाउ टेल मी, और बता
बता दे, नाउ टेल मी कि तेरी क्लास में कौन कौन पढ़ता है, हु स्टडी इन योर क्लास। अरे बेकार की बातें मत कर माँ, ओ माँ ओ मदर, हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड यानी कि फिजूल। भाई दो चीज बोल सकते हैं, व्हाट ए नॉनसेंस, लेकिन माँ है, माँ को हर्ट हो जाएगा अगर हम नॉनसेंस बोलेंगे, व्हाट ए नॉनसेंस, क्या फिजूल की बातें करती हूँ। आप इसको इस लैंग्वेज में बोलो ताकि माँ को बुरा भी ना लगे, उनका दिल टूटे भी ना। हाउ डिस्गस्टिंग भी बोल सकते हो, हाउ एब्सर्ड भी बोल सकते हो, बट व्हाट ए नॉनसेंस मत बोलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, क्लास पसंद आए। तो गाइस ये सीखा हमने टेंसों के माध्यम से इंग्लिश बोलना और टेंस बनाना भी। अब बताइए, मैंने इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले बोला था कि प्रेजेंट टेंस अगर आ गया तो 30% इंग्लिश कोई भी बंदा बोल सकता है, बशर्ते आपकी पॉकेट में वोकैबुलरी हो। ठीक पॉकेट में वोकैबुलरी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से आप किसी शोरूम में जाते हो, महंगे शोरूम में जाते हो, और आपके पॉकेट में जितना पैसा होता है आप देख के आप उस शोरूम पे कदम रखते हैं। अगर पॉकेट में पॉकेट अलाउ करती है तो ही आप बच्चूमल पे चढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं चढ़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आपकी पॉकेट में वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है अगर आपकी, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते प्रैक्टिस और जुनून और जोश आपके अंदर होना चाहिए। तो गाइस आप इसी तरह से कीजिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी सेट बताऊंगा आपको किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। टेक केयर गाइस।